द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के न्यू इंडिया शुगर मिल से उच्च विद्यालय हसनपुर के प्रांगण में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत TFO समस्तीपुर जिले से पौधा की मांग की गई थी। 100 पौधों की स्वीकृति दी गई थी। 100 पौधा की वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिससे विद्यालय परिवेश को स्वास्थ्य व साफा आबोहवा प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम वरदान साबित होगा। समाज के लोगों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इसमें प्रखंड वन विभाग के अधिकारी विनय कुमार राम व वन विभाग चौकीदार संतोष पासवान, विद्यालय प्रबंधक ब्रह्मानंद राय के द्वारा वृक्षारोपण कार्य संपन्न किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा हेतु विद्यालय परिचारी रामलाल पाठक, राम नरेश ठाकुर से पौधा की जरूरत के हेतु सहयोग की मांग की। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की योगदान सराहनीय है। मौके पर विद्यालय प्रधानाध्यापक, शिक्षक गण एवं प्रखंड विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए हसनपुर से दिनेश पासवान की यह रिपोर्ट। फर्स्ट न्यूज इंडिया सेलम से। अभी न्यू इंडिया शुगर मिल विद्यालय के प्रांगण में हमारे प्रधान अध्यापक महोदय हैं। सर आपका नाम? ब्रह्मानंद है। सर जो अभी हाई स्कूल में जो है ग्राउंड में जो वृक्षारोपण हो रहा है, किसके अंतर्गत हो रहा है? यह जो है सो हम लोग ने विद्यालय के सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए मांग किए थे प्लांट के लिए। उसको हमारा DFO महोदय समस्तीपुर 100 प्लांट की स्वीकृति प्रदान कर दिए थे, जिसको वन विभाग हसनपुर के कर्मचारी के द्वारा। सर अभी वन विभाग कर्मचारी उपस्थित हैं? जी अभी है सर। आप वन विभाग विभाग से हैं? जी। और सर आपका शुभ नाम? विनय कुमार राम के SBU है। सभी के बीच सर आपके मतलब हमारा जो वृक्षारोपण हाई स्कूल उस विद्यालय में हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है? ये जल जीवन मिशन हरियाली मिशन के तहत आ रहा है, जिसको ये लोग प्रधानाध्यापक जो है DFO ऑफिस से रिलीज कराए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ हम लोग हसनपुर वन विभाग इसको पौधा लगवा रहे हैं। 100 पौधों की अनुमति मिली, 100 पौधों की अनुमति है। अगर उस पौधे में 100 पौधे में से अगर कोई पौधा सूख जाता है तो उसके लिए कोई? हम लोग खुद रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट वर्कर जो लेबर है उनके द्वारा उसको रिप्लेसमेंट करके